नमस्कार, न्यूज रिपब्लिक अंदर मैं सबकी स्वागत करता हूँ। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ, प्रधान जी के साथ मौजूद हूँ और ये शिवपुर ग्राम पंचायत के प्रधान के पास हूँ। और आने का मेरा वजह ये है कि हाल ही में यूट्यूब में एक न्यूज़ आया, इसमें ये बोला गया जो प्रिस्टीन बीच रिजॉर्ट जिसका ऑनर एलेक्स जी है, उन्होंने सरकारी लैंड ऑक्यूपाइड किया, जो कि है APWD की लैंड है, जो रेलिंग के जरिए उनको ऑक्यूपाइड किया गया। और दूसरी बात कि काफ़ी यहाँ का लोकल लोगों से भी ये भी कंप्लेन है कि लोकल लोगों से एक तरह का ट्रीट करता और जो बाहर से आए वाला जो टूरिस्ट है उनसे अलग ट्रीट करते। तो उससे जुड़े मैं प्रधान जी से मिलने आया और प्रधान जी से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहले प्रधान जी को इस बारे में क्या बोलना, तो प्रधान जी से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरू चंद्र मजुमदार, प्रधान ग्राम पंचायत शिवपुर। मेरा घर कालीपुर में ही है, तो पहले भी प्रधान यहाँ पे रह चुका हूँ और उसका पहले भी जिला परिषद मेंबर रह चुका हूँ। तो अब जो बताया प्रिस्टीन बीच के बारे बीच जो है उनका बारे में जो वहाँ ओनर अलेक्स जी, तो बहुत दिन से करीब 20 साल हो गया यहाँ पे आए हैं, अपना कारोबार शुरू किया है। तो हमेशा जानना है कोई भी कंप्लेन कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले मेरे ख्याल से आज प्रधान का हिसाब में मेरे को कंप्लेन होना चाहिए, लेकिन मेरे को अभी तक कोई कंप्लेन मिला नहीं। मतलब लोकल्स का अभी तक आपके पास ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है कि गलत तरह से ट्रीट करते, ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आया? नहीं, ऐसा तो कोई कंप्लेन किया नहीं। तो कभी कभी हम भी जाते हैं, कभी देखा नहीं इस तरह। अरे, लोकल लोग भी जाते हैं क्या उसमें? हाँ, लोकल तो सारा जगह इससे आता है, डिगलीपुर से सारा जगह से आता है। हमारा ये पंचायत से शिवपुर कालपुर दुर्गापुर से भी हमेशा जाते हैं। तो ऐसा कोई मेरा नॉलेज में नहीं है, अभी तक कोई कंप्लेन भी मेरे पास आया नहीं, हम देखा भी नहीं। तो आपने बोला यूट्यूब में कोई न्यूज़ डाला है जी, मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा प्रधान जी से मिल लूँ, इसमें कितना सच्चाई है वो जानने के लिए तरफ से आया मिलने। नहीं, ये बेबुनियाद है मेरे ख्याल से। तो ये देखिए, न्यूज़ तो बहुत कुछ बना सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है वो तो पब्लिक ही जानते हैं और हम लोग भी नॉलेज में, ये सब तो मेरा नॉलेज में कुछ नहीं है। और पब्लिक कोई भी पब्लिक हमसे कभी कंप्लेन भी नहीं किया इसके बारे में। और प्रधान जी दूसरी बात देखिए, ऐसे जो एलेक्स जी जो प्रिस्टीन बीच रिजॉर्ट के जो ऑनर है, ये भी इसमें बताया गया कि उन्होंने सरकारी लैंड जैसे APWD डिपार्टमेंट का जो लैंड है, जो रोड के लिए लैंड सिलेंडर है, तो वो लैंड को एक्वाफाइड किया गया, तो ये बात उसमें बताया गया। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते सर? नहीं, अभी तो पीडब्ल्यूडी का नहीं है लैंड, अभी रोड्स पहले पीडब्ल्यूडी का था, अभी NS हो गया, NS का ही लैंड है रोड साइड में। तो रोड साइड में जितना पहले वो टेम्पोररी रेलिंग सारा जगह, खाली अलेक्स का वहाँ पे नहीं है, सारा जगह में आप लोग देख सकते हैं जितना भी एरिया है रोड साइड में, जितना पक्का रोड छोड़ के बाकी जो जगह है मैक्सिमम जगह में जो है अपना अपना कुछ भी रेलिंग, कच्चा रेलिंग पक्का नहीं, कोई बम्बू से कोई बल्ली से देख के रखा है। तो अभी NS का रास्ता बनता है, वहाँ तक अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर NS को ज़रूरत पड़ेगा तो आपस कोई कोई जगह है, हम भी देखा बस्ता बनते हैं, जो जगह पर ज़रूरत पड़ा वो जगह ले लिया, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। ऐसे भी कोई NS का अभी तक तो वहाँ से काम शुरू नहीं हुआ, अभी कोई जगह में ऐसा है तो NS वाला जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हमसे बात करते हैं, हम भी पब्लिक से बात करते हैं। और ऐसा कोई प्रॉब्लम होने से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन होगा। तो यूट्यूब में जो भी दिया है उनके पास कौन कंप्लेन दिया, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम होने से तो पहले प्रधान के पास ही आएगा, मेरे पास कोई अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, ना NS का तरफ से ना ही कोई डिपार्टमेंट का तरफ से कोई कंप्लेन आए नहीं, और वहाँ पर तो काम शुरू ही नहीं है अभी तक, तो कौन कंप्लेन करेगा। देखिए, ये जो प्रधान जी से मैंने जानकारी ली, ये जो YouTube में जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का नाते जो एक कहीं ना कहीं झूठा खबर फैलाएगा देखा जा सकता है, क्योंकि गांव में कोई कंप्लेन नहीं है। तो प्रधान जी खुद बता रहे गांव वाला कोई कंप्लेन नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये देखिए गलत एक इन्फॉर्मेशन दिया गया हमारे जो शिवपुर गांव से, तो इससे जुड़े मैं प्रिसन बीच रिजॉर्ट भी जाएंगे और वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे असली सच्चाई क्या है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। और आज इस वक्त मौजूद मैं कालीपुर प्रिसन बीच रिजॉर्ट के सामने, और ये अंडर डिगलीपुर के अंडर में आता है ये रिजॉर्ट। और हाल ही में एक यूट्यूब में मतलब सोशल मीडिया में एक आरोप लगा है कि ये जो प्रॉपर्टी का ऑनर है इन्होंने सरकारी ज़मीन को ऑक्यूपाइड किया। जैसे कि जो रेलिंग है, रेलिंग के बारे में बात चल रहा था कि ये जो रेलिंग है देख सकते हैं, ये रेलिंग बोल रहे सरकारी लैंड में ऑक्यूपाइड किया। और मैं ये भी मैं क्लियर कट बताना चाहूँगा, ये जो रेलिंग है ये परमानेंट रेलिंग नहीं है, देख सकते हैं ये जिंदा बल्ली कहाँ जाता है, लोकल लैंग्वेज जिंदा बल्ली कहाँ जाता, ये बल्ली तो टेम्पररी रेलिंग है। और ये भी मैं पूछेंगे टेम्पररी रेलिंग क्यों डाला गया और ये डाला कब गया था, और ये भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे ये रिजॉर्ट आखिर कितना साल पहले का है। और ये जो बिजनेसमैन है, ये हमने कई मैंने सुना है ये जो बिजनेसमैन है जो एलेक्स जो प्रिसन बीच रिजॉर्ट का ऑनर, इन्होंने करीबन 20 साल से ये रिजॉर्ट को ओपन किया गया और कहीं ना कहीं डिगलीपुर में बिजनेस को बढ़ावा देने का काम किया। मतलब बिजनेस ये अंडमान के अंदर में जो डिगलीपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे टूरिस्ट को लाने का काम काफ़ी पुराना से स्टार्ट किया, जैसे करीबन 20 साल हो चुके हैं। और इसी जिससे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, हम ऐसे मैनेजर से बात करेंगे आखिर इसमें कितना सच्चा यार, इस बारे में क्या कहना है उनको, तो वो जानने की कोशिश करते, तो आइए देखते हैं। और सर वो पिलर दिखाई जो मैं आपने बोला कि आपने ये परमानेंट रेलिंग के बारे में नहीं सोचा, अरे परमानेंट रेलिंग है भी नहीं क्योंकि वो जिंदा बल्ली से दिया गया। अच्छा जी, ये नया तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पुराना है, बहुत साल पहले। देखिए ये का ही आगे पुराना है, कहीं ना कहीं ये इसमें सच्चाई है, इसमें तो ये बोल सकते हैं सच्चाई है कि काफ़ी पुराना है रखा गया है, का ही आ गया। अरे काफ़ी सारा, एक दो नहीं है, ये काफ़ी सारा है, वही स्थिति में है कि काफ़ी पुराना टाइम में रखा है, वही स्थिति में देखे रेलिंग है। रेलिंग जो डालने का, ये जो परमानेंट रेलिंग डालने का जो खंभा होता है वो पिलर होता है, ये पिलर देख लीजिए ऐसा रखा है, तो इनका ये मंशा शायद नहीं है। ये दोहराता है कि ये मंशा इनका ऐसा नहीं है कि सरकारी लैंड ऑक्यूपाइड करे परमानेंटली। तो ये देखिए परमानेंटली अगर इनको करना ही था तो ये अभी तक कर लिया होता, ये कहीं ना कहीं मैं ये मानना चाहिए। और वह टेम्पररी रेलिंग और परमानेंट रेलिंग करने के लिए ये खंभा यहाँ पे मौजूद है। और सर इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप, इसके इसमें ये क्यों हुआ है, आपको क्यों हुआ है? इनको तो वो भी याद है, इससे पहले भी वो एक प्रोफेशनल न्यूज़ में काम किया है, उसके बाद अब वो क्या लगता है ऐसा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हुआ क्या है उनसे 21 रात को मिस वल्ली और उनके दो दोस्त यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके रात को 6:30 बजे के टाइम में आए थे, आके बैठे, उनको हमारे दूसरा लोकल गेस्ट भी थे और रूम गेस्ट भी थे वहाँ पे, उनको रेस्टोरेंट में उनको साउंड म्यूज़िक ज़्यादा चाहिए था, और जबकि साउंड बढ़ा कर जबकि दूसरा गेस्ट कंप्लेन कर, जो लोकल गेस्ट है उनको डिस्टर्ब हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि ये पब्लिक फोरम है ना, एक रेस्टोरेंट बोलने से पब्लिक फोरम है जहाँ पे एम्बियंस म्यूज़िक चलना चाहिए, ना कि दूसरा प्राइवेट से साउंड म्यूज़िक चलना चाहिए, तो उनको डिस्टर्ब हुआ। जब मैंने जाके रिक्वेस्ट किया तो उन लोग ने तो बोला कि हम देख लेगा आप लोगों बंद कर, प्रिसन को बंद करा देगा, मतलब ऐसा था कि धमकी दिया गया, धमकी दिया कर ऐसे किया। तो उसका अगला दिन तो आए थे, हम भी नहीं था, तो यहाँ पे एक वीडियो हुआ था। सो बट इट्स वेरी सैड कि आपका पार्टिकुलर आपका एग्नेस ने किया गया, यही कहना है। इट्स वेरी सैड लाइक ये आके एक यूट्यूबर, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म आके गलत तरीका से यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मीडिया है जो सच निकालने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ डिगलीपुर में मीडिया लोग करने के लिए बहुत, टूरिज्म के बारे में निकाल सकते हैं, शिप के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन कभी मत दीजिए। देखिए बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि आप सच निकाल सकते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन किसी को मत दीजिए। अपना रिवेंज को इसमें, ये टूल यूट्यूब इज़ नॉट अ टूल टू यूज़ योर रिवेंज, वही मैं बोलना चाहता हूँ बस। बट बिकॉज मिस वल्ली आके बहुत अच्छा यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा का इन्फ्लुएंस में आके ऐसे काम मत करिए, बहुत आगे बढ़ना है उनको भी, वी विश हिम लक, बट गलत इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज जर्नलिज्म इज़ नॉट अ जोक। जर्नलिज्म जो है वो आपको देखना है कि मुद्दा क्या है, समझना है क्या हो रहा है, नहीं ये रिवेंज लेने के लिए टूल मत बनाइए इसको।
क्योंकि पब्लिक देख रहे हैं, पब्लिक को सच्चाई मालूम होना चाहिए, क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए। आप जस्ट लाइक दैट, अगर आपको एक जगह से कुछ हो गया, मैं रिवेंज लूँगा, मेरा पास मीडिया है, मीडिया को गलत यूज़ मत करिए। जनता तक आपको बात पहुंचाना, जनता का बात सुनना। जनता जैसे ऐसे ही देखिए, न्यूज़ को देखने के बाद काफ़ी जनता ने इस पर कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट करने के बाद इतना काफ़ी सारा कमेंट को हाइड किया गया। तो क्यों हाइड किया गया, भी एक सवाल की बात है। तो ये सवाल तो उठना चाहिए, क्योंकि जब किसी को पर्टिकुलर किसी के ऊपर जब न्यूज़ बनता है तो अगर कमेंट करते, कमेंट हर लोगों को देखना चाहिए, सही सच्चाई क्या है, किस में क्या है, कमेंट करता है तो कमेंट ऐसा हाइड मत करना भी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन की बात है, कमेंट्स क्यों हाइड है, जनता क्या बोलते हैं वो देखिए। जनता का बात आप क्यों हाइड कर रहे हैं, जनता कुछ कमेंट्स डालते हैं उसको क्यों हाइड कर रहे हैं। ये वीडियो आप जनता के लिए बनाए हैं, ये जनता को देखने का, जनता कुछ टाइप करते हैं तो उसको क्यों हाइड कर रहे हैं आप लोग। इसी को, यही तो है मीडिया का काम। आजकल मैं देखिए ये भी कहना चाहता हूँ, आजकल देखिए काफ़ी डिजिटल मीडिया आ चुका है यूट्यूब पर, और कहीं ना कहीं अपना पत्रकारिता इस तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक आजकल किया जा रहा है। मैं काफ़ी जगह में देखा ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि पर्सनल अगर किसी के ऊपर पर्सनल दुश्मनी निकालना हो, कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा लेने का कोशिश करें। तो ऐसा ना करें, मीडिया पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है, और हमारा लोकतंत्र की फोर्थ पिलर है, तो इनका गलत यूज़ ना करें कोई भी। और इसी से जुड़े मैंने देखिए मैंने बात किया, और कुछ सच्चाई आपके सामने लेके आए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा हमारे न्यूज़ रिपब्लिक अंदमान के तरफ से, कि ये जो जिस टॉपिक लेके अभी एक सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आया प्रिस्टन ब्रिज रिजॉर्ट को लेके, तो सेम ऐसा देखिए यहाँ से अगर कालीपुर से लेके एरियल ब्रिज का रवाना करेंगे तो ऐसे ही रेलिंग काफ़ी जगह में मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर पर्सनली अटैक दिख रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और विषय में, जुड़े रहे न्यूज़ रिपब्लिक अंदमान के साथ। धन्यवाद।